गुलबर्गा शहर में तकरीबन छोटे बड़े ताजिर को सूद के दलदल में फंसा देख जमीयत इस्लामी हिंद की जानिब से सहूलत सोहारदा सहकारा संघ के नाम से बिना सूद से लोन देने के लिए एक बैंक ओपन किया जा रहा है, जिसमें हर ताजिर को बड़ी आसानी से बिना सूद के लोन दिया जाएगा। आजकल मौज की बंडी से लेकर बड़े कारोबार करने वाले हर कोई सूद से कर्ज लेकर अपने बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में परेशान हो रहे हैं। बैंक और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के जरिए 3% से 10% तक के इंटरेस्ट पर लोन लेकर तमाम ताजिर असल रकम से ज्यादा सूद भर रहे हैं। जमीयत इस्लामी हिंद के जिम्मेदारों ने गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए कहा, कल यानी संडे 19 मई को संतरासवाड़ी बस स्टैंड के पीछे हिदायत सेंटर में बिना सूद के बैंक ओपन होने जा रहा है। इस दौरान बिना सूद के किस तरह लोन दिया जाएगा, इसका क्या तरीका होगा, हर चीज आपको समझाई जाएगी। अगर आप भी सूद से परेशान हैं और बिना सूद के लोन लेना चाहते हैं तो जरूर कल संडे सुबह 11 बजे से पहले हिदायत सेंटर को तशरीफ लाएं। गुलबर्गा शहर के हर छोटे कारोबारी से लेकर बड़े कारोबारी तक सभी को इस प्रोग्राम में शिरकत करना बेहद जरूरी है। तमाम मुस्लिम ताजिरों को सूदखोरी से बचाने के लिए बिना सूद बैंक ओपन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। मैं जाकिर हुसैन, अमीर मकामी जमात इस्लामी हिंद गुलबर्गा, आपसे तमाम ताजिर हजरात जो शहर गुलबर्गा के अंदर रहते हैं, छोटे बड़े ताजिरों से मैं जो ना चंद बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि आप जानते हैं कि मुल्क के अंदर सूदी निज़ाम पूरे ताजिरों पर जो है ना छाया हुआ है। ताजिरों ज़्यादा से ज़्यादा ताजिर जो है ना सूदी निज़ाम यानी सूद से बैंक से सूद से लोन लेकर जो है ना उन्होंने कर्ज लेकर अपनी तिजारत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मालूम है कि सूद इस्लाम के अंदर हराम है और उससे जो है ना सूद से लोगों को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान है। एक तो ईमान का नुकसान है और अकीदे का नुकसान है, दूसरा है कि जो है ना तिजारत में भी नुकसान होता है उसके अंदर। तो आजकल जानते हैं कि बैंक जो भी है, बैंक और फाइनेंस के जो कंपनियां हैं, ये ज़रूरतमंदों को जो कर्ज देते हैं बहुत ज़्यादा उसको परसेंटेज कर्ज जो है ना लगा कर देते हैं, जिसकी वजह से लोन लेने वाले जो ताजिर हैं वो उनका जो है ना कर्ज अदा करना बड़ा मुश्किल है। ऐसा हो रहा है कि सूद जो है ना जो लोन होता है, जो कर्ज होता है, उससे ज़्यादा सूद देने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इन ताजिरों का बड़ी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना सूद में चला जा रहा है। तो ऐसा मालूम होता है कि वो उनका खून चूस ले रहे हैं, जो माइक्रो फाइनेंस जो कंपनियाँ हैं, फाइनेंस की कंपनियाँ, उन ताजिरों का खून चूस रहे हैं। बल्कि ऐसा हो रहा है कि खुदकशी करने पर जो है ना लोग मजबूर हैं। तो इसके लिए जमात इस्लामी की हिंद की जानिब से एक बिलासूदी सोसाइटी हम यहाँ हिदायत सेंटर में जो है ना शुरू करने जा रहे हैं। अब इंशाल्लाह इतवार से वो शुरू होगी और इतवार को एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया है हिदायत सेंटर में, उसमें हमारे जो है ना जिम्मेदारान आ रहे हैं और आप तफसील से उस जो है ना उसको आपको बताएंगे कि सूद बगैर सूद के लोन जो है ना आपको किस तरह से दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, उसके आपको मेंबर बनना पड़ेगा और उसके लिए आप जो है ना जो सूद से जो आप नजात अगर चाहते हैं और आपकी तिजारत को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर जो है ना इंशाल्लाह आप आइए 19 मई के रोज़ हिदायत सेंटर में सुबह 11 बजे से एक तमाम ताजिरों के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है, उसमें शरीक हों ताकि आपको मालूम हो कि जो है ना यहाँ बिला सूदी लोन दिया जाता है और फिर उसके साथ साथ उसको जो है ना पिग्मी कलेक्शन के साथ आपको वापस भी देना पड़ता है। तो आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में शरीक हों ताकि आपको पूरी तफसील जो है ना मालूम हो कि किस तरह से बिलासुदी लोन जो है ना यहाँ पर दिया जा रहा है। ये पहली मर्तबा शहर गुलबर्ग के अंदर जो है ना होने जा रहा है। इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि आप आएँ आइंदा इतवार आने वाले 19 मई को सुबह 11 बजे से पहले पहुँच जाएँ ताकि आपको पूरी तफसील जो है ना मालूम हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि हमारे यहाँ ताजिरों को जो है ना बिलासुदी सोसाइटी के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हिदायत सेंटर में संडे के दिन 19 तारीख 11 बजे से इस गैर सूदी बैंक का इफ्तिताह होने जा रहा है। आप तमाम ताजिर हजरात से गुजारिश है कि इसमें आप शरीक हों और इसके प्रोसीजर को आप मालूम करें। छोटे मोटे ताजिर हजरात इस वक्त
3% से तकरीबन 10% सूद में मुलविस हैं। तो ये हमारा इदारा इनको बचाने के लिए ये गैर सूदी बैंक क़ायम किया जा रहा है, और इससे आप फ़ायदा उठाएं, इसके इफ्तिताही प्रोग्राम में आएं और इसके प्रोसीजर को मालूम करें, फिर आगे कार्रवाई के लिए आप आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। ये प्रोग्राम हिदायत सेंटर में है, संतरा सोड़ी बस स्टैंड के पीछे हिदायत सेंटर में 11 बजे से ये प्रोग्राम रहेगा।